question I will present here. My name is Sivankara from class 8th grade, and today I am going to give you a speech on the topic cell. So first of all, I tell you that what is the cell. So जैसे कि हम लोग देखते हैं जो बिल्डिंग रहती है वो बहुत सारी ब्रिक्स से बनी रहती है और उसी की तरह हमारी जो बॉडी है वो बहुत सारे ब्रिक्स से बनी रहती है, इसको हम लोग सेल बोलते हैं। और ऐसे में हम लोग सेल की डेफिनेशन ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, सो द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ आवर बॉडी इज नोन एज द सेल। एंड देन वी टॉक अबाउट द डिस्कवरी ऑफ द सेल। सो जो सेल की डिस्कवरी थी वो सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने इन द ईयर ऑफ 1665। उन्होंने एक कॉर्क के स्लाइस को अपने माइक्रोस्कोप के अंदर रखा था और उन्होंने उसको जूम करके देखा था। और जब उन्होंने उसको जूम करके देखा तो उन्हें कुछ हनीकॉम यानी कि मधुमक्खी का जो छत्ता रहता है उसके जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स दिखे थे और उन स्ट्रक्चर्स को उन्होंने डेड सेल्स कहकर पॉइंट किया था। और एंड देन बट हम लोग सेल के बारे में अच्छे से तभी जान पाए थे जब इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हो पाया था। देन हम बात करते हैं सेल्स की वैराइटीज के बारे में, तो फिर सेल के बेसिस में हम ऑर्गेनिजम्स को टू पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और दूसरा है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट आप मुझे बताइए कि यूनि का मतलब क्या होता है। यूनि का मतलब सिंगल। यस, सिंगल यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जिनके बॉडी के अंदर सिर्फ एक ही सेल सारी लाइफ प्रोसेस यानी कि रिप्रोडक्शन एक्सक्रीशन डाइजेशन ये सब कैरी आउट करता है, उस ऑर्गेनिजम्स को हम लोग कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एल्गी, फंजी एक्सेट्रा। एंड देन बारी आती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। फर्स्ट कैन यू प्लीज टेल मी द डेफिनेशन ऑफ मल्टी। व्हाट इज मल्टी? मल्टी का मतलब क्या मींस एक से ज्यादा। यस, यानी कि जिन ऑर्गेनिजम्स में एक से ज्यादा यानी कि बहुत सारे सेल्स होते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को हम लोग कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि हम ह्यूमन सेल्स में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं और जैसे कि मतलब कॉकरोच, देन क्रो, लॉयन एक्सेट्रा। एंड देन अब बारी आती है वेरिएशन इन शेप एंड साइज ऑफ द सेल्स। तो जो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सेल पाए जाते हैं वो सारे डिफरेंट डिफरेंट होते हैं और अलग अलग होते हैं। देन बारी आती है साइज ऑफ द सेल। तो कुछ जो सेल होते हैं उनके भी बहुत अलग अलग साइज होते हैं। जैसे जो हमारा नर्व सेल है वो हमारे बॉडी के बाकी सेल से बहुत बड़ा रहता है। एंड देन नाउ आई टॉक अबाउट द सेल ऑर्गेनेल्स। तो फिर जो सेल होता है वो बेसिकली तीन पार्ट से मिलकर बनता है। सबसे पहला पार्ट होता है उसका सेल मेम्ब्रेन, दूसरा होता है साइटोप्लाज्म और तीसरा और आखिरी होता है न्यूक्लियस। ये तीन एक बेसिक पार्ट्स होते हैं सेल में जो हर सेल में पाए जाते हैं। सो सबसे पहला जो पार्ट है उसका नाम है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन यानी कि कुछ एक तरह की थिक लेयर अराउंड द सेल, उस लेयर को हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। देन अब बारी आती है साइटोप्लाज्म की। ये एक तरह का जेली लाइक स्ट्रक्चर, फ्लूइड सब्सटेंस रहता है जो फ्लो करता है, जो फ्लोट करता है एक्चुअली सेल के सरफेस में। और उसमें जितने भी सेल के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं वो फ्लो करते हैं। और फिर इसमें 90% ऑफ वाटर रहता है। हर्ष, कैन यू प्लीज टेल मी एक साइटोप्लाज्म में कितने परसेंट वाटर रहता है? कैन आई गिव यू ऑप्शंस? 80% वाटर रहता है, 90% वाटर रहता है कि 100% वाटर रहता है? 90%। यस, एक्सेक्टली, एब्सोल्युटली राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द साइटोप्लाज्म। देन आई कम टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस मींस जैसे कि हमारी बॉडी में हमारा जो ब्रेन रहता है वो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, पूरी बॉडी के मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। तो फिर इसको हम लोग बोलते हैं मतलब हमारा ब्रेन है कि वो कंट्रोल सेंटर है हमारी बॉडी, क्योंकि उसके बिना हमारी बॉडी कुछ नहीं कर सकती। वैसे जो न्यूक्लियस रहता है एक तरह का बहुत ही मेन पार्ट रहता है सेल का, जो मतलब बहुत सारी चीज़ें हमारे सेल में कंट्रोल करता है और हेरिडिटरी यानी कि हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि जो मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स फर्टिलाइजर के द्वारा एक एम्ब्रियो में पास होती हैं उसको भी ये स्टोर करके रखता है। देन इट कम्स अबाउट द सेल ऑर्गेनेल्स। एक सेल में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स रहते हैं। सबसे पहला ऑर्गेनेल रहता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि एक तरह का पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया रहता है ये पूरे सेल में एनर्जी देता है। देन रहता है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स एक तरह की प्रोटीन फैक्ट्री
प्रोटीन सिंथेसिस में प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं और ये शायद से सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में पाई जाती है। देयर आर लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स यानी कि सोसाइड बैग्स ऑफ द सेल, यानी कि कभी कभी ऐसा हो जाता है हमारे 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 सेल में कुछ फॉरेन बॉडीज यानी कि कुछ ऐसी चीजें चली जाती है जो सेल में नहीं जानी चाहिए, तो फिर मुझे जो लाइसोसोम रहता है वो उन बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है, हमारे सेल को प्रोटेक्ट नहीं करता है। देन इट कम्स देन इट कम्स फॉर वैक्यूल्स। वैक्यूल्स ऐसा पार्ट है जो सिर्फ प्लांट सेल्स में पाया जाता है और ये वेस्टेज को स्टोर करता है। एंड देन दूसरा पार्ट है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एक तरह के मतलब ग्रीन कलर प्लास्टिक्स है। और वन मोर थिंग आई विल टेल यू दैट व्हाट इज प्लास्टिक। प्लास्टिक्स आर थ्री टाइप्स, क्लोरोप्लास्ट,